हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैचलर कुक। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन, वो भी प्योर बिहारी स्टाइल में। आइए, चिकन बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसकी हम डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई आदि लहसुन, ये लहसुन के कुछ पीस है क्योंकि चिकन में लहसुन ज़्यादा पड़ता है। ये हरी मिर्च है जो कि सूख गई है तो लाल बन गई है। तेज़पत्ता, मसाले में हम ये में चिकन मसाला है हल्दी, ये गोल मिर्च पाउडर, ये जीरा पाउडर है और चिकन, और साथ में हम तड़के के लिए इसमें जीरा, गोल मिर्च और गरम मसाले के कुछ अंश ले लेंगे। आइए हम बनाने चलते हैं चिकन की पहली विधि। हाँ दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं मैंने इसमें तेल डाल दिया, तेल ये गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद इसमें हम तड़के में ये सारी चीज़ें डाल देंगे। उसके बाद हम बारीक कटी हुई लहसुन और आदि को डाल देंगे, हरी मिर्च और तेज़पत्ता को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये हल्की ब्राउन हो जाए तो इसमें हम कटी हुई प्याज डाल देंगे। जब हमारा तड़का ब्राउन हो जाए तो उसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज डाल के तब तक फ्राई करेंगे जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। इसमें हल्का नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमें बाद में फिर चिकन में भी डालना होगा। नमक तब डालेंगे जब प्याज पूरी तरीके से ब्राउन हो जाए। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए मिक्स करके इस अच्छे से छोड़ देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालेंगे चिकन और चिकन को फ्राई करेंगे। उसके बाद लंबे समय तक इसकी चलेगी फ्राई की प्रक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन हमारा फ्राई हो चुका है और इसे हम 15 मिनट तक फ्राई करेंगे हल्के फ्लेम पे। जब चिकन फ्राई होने लगे और पानी आने लगे तो उसमें हम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसे लो फ्लेम पे ही पकाते रहेंगे। दोस्तों, देख रहे हैं जैसा कि आप मसाला तेल ऑयल छोड़ने लगा है तो हम इसमें नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे फ्राई करेंगे और जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से बॉयल और चिकन अच्छे से पक नहीं जाता। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हमारा चिकन पक चुका है। अगर आपको लग रहा है तो एक पीस इसमें से निकाल के आप टेस्ट कर सकते हैं, और अगर पक गया है तो अगर आपके पास धनिया है तो उसे गार्निशिंग कर दीजिए। और हमारा चिकन पक के तैयार हो चुका है और अपने गैस को बंद कर देंगे